भयंकर गर्मी में बिना किसी झंझट के एक बार इस तरीके से लौकी की रेसिपी बना के देखिए। घर पर बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा और बिना भूख लगे भी 2 से 4 रोटी तो आराम से खा लेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी लौकी या कद्दू की एकदम मज़ेदार रेसिपी। इसके लिए यहाँ मैंने एक कद्दू ले लिया है। इसे बहुत सारे जगह पे लौकी या बॉटल की तरह यह दिखता है, इसके लिए इसे बॉटल ग्रोट भी कहते हैं और कई जगह पे इसे दूधिया भी कहा जाता है। आप इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए, कद्दू हमारा बहुत अच्छे तरीके से छिल गया है और यहाँ मैंने इसे एक बार अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसे बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे बीच में से फिर से कट करके इसे 2 भाग में काट लेंगे। और अब हम इसे इस तरीके से बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। कद्दू को आप इसी तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में कट करें। अगर आप चॉपर से कट करेंगे तो ये कटने की जगह बहुत सारा पानी छोड़ देगा तो रेसिपी हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप वीडियो में बताए गए तरीके से ही कद्दू को बिल्कुल बारीक और महीन काट लें। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने कद्दू को बहुत अच्छे से बारीक और महीन काट रही हूँ। आप भी सेम तरीके से कद्दू को इसी तरीके से कट कर लें। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे कद्दू को अच्छी तरीके से बारीक कट कर लिया है। और अगर आप चाहे तो इसके बीज निकाल सकते हैं और फिर इसका यूज़ करें। यहाँ मैंने इसे बीज के साथ ही यूज़ किया है और अब हम इसे कुकर में डालेंगे। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, हम इसे बिना मसालों के बनाएंगे और ये मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लौकी या कटे हुए कद्दू को कुकर में डाल दिया है और अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और कुकर का अब ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगा करके गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे। कुकर की जगह आप इसे कढ़ाई में भी पका सकते हैं। कढ़ाई में हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक लौकी हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट या पक नहीं जाते हैं। और आप देख सकते हैं, कुकर में 3 से 4 विसिल आ गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम कुकर को ठंडा होने के लिए रखेंगे। और आप देख सकते हैं, कुकर हमारा ठंडा हो गया। हम इसका ढक्कन खोल लेंगे और आप देख सकते हैं, कद्दू हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं और ये अच्छी तरीके से पक भी गए हैं। और अब हम एक इस तरीके का जाली वाले बर्तन लेंगे, ये सभी के घर पे होता है। और अब हम कद्दू को इस तरीके से जाली वाले बर्तन में डालेंगे और कद्दू का एक्स्ट्रा पानी हम इस तरीके से छान लेंगे या निकाल लेंगे, जिससे रेसिपी हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट और अच्छा बन के तैयार होगा। और कद्दू हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और जार में 2 बड़े चम्मच सरसों या राई के दाना डालेंगे। यहाँ मैंने काले वाले सरसों का यूज़ किया। अगर आपके पास काले वाले सरसों नहीं है तो आप पीले वाले सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके सरसों के दाने का एक गाढ़ा या थिक पेस्ट बना लेंगे, जिससे हमारा सरसों भी अच्छे से पिस जाएगा और इसका फ्लेवर बिल्कुल ही बना रहेगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सरसों को अच्छी तरीके से ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लिया है और इसका बहुत बढ़िया पेस्ट बनके तैयार हो गया है। और अब हम एक अदरक का टुकड़ा लेंगे और अदरक के टुकड़े को इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे और इसे बिल्कुल छोटे छोटे महीन काट लेंगे, जिससे हमारे रेसिपी में अदरक का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और क्रंच बना रहेगा। अगर आप अदरक खाते हैं तो इस रेसिपी में अदरक का यूज़ आप ज़रूर करें, और अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो आप अदरक को स्किप कर दें और इसके जगह पे सरसों के दाने को ही रहने दें। उस सरसों के दाने में भी बहुत ही अच्छा पंजीनेंस होता है, जिससे हमारा रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगा। और अब यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक और महीन काट लिया है। और आप देख सकते हैं, हरा मिर्च भी हमारा बिल्कुल बारीक कट के तैयार हो गया है। और चलिए अब हम इसके रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक
इस तरीके का एक बर्तन लेंगे और अब हम इसमें उबले हुए कद्दू डालेंगे। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उतना ही लें और बाकी बचे को हम साइड में रखेंगे। और ये देखिए कद्दू हमारा अच्छे तरीके से गल गया है और अब हम इसमें सबसे पहले एक चम्मच पिसा हुआ या ग्राइंड किया हुआ सरसों के पेस्ट डालेंगे। यहाँ मैंने घर का बना पेस्ट का यूज़ किया, आप चाहे तो बाजार का ड्राई रेडीमेड पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए अदरक और बारीक कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे और अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। नमक का यूज़ हमने कद्दू को बॉईल करते समय भी किया था तो अभी हम कम ही नमक का यूज़ करेंगे। और इसमें एक चौथाई चम्मच काला नमक डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे सभी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमारा रेसिपी बहुत ही फ्लेवरफुल बनके तैयार होगा। और अब हम इसमें घर का बना फ्रेश दही डालेंगे। यहाँ मैंने एक कप दही का यूज़ किया है और आप देख सकते हैं हमारा रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गया है। बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो दही को पहले से भी फिट करके इसमें डाल सकते हैं और अब हम बचा हुआ दही भी इसमें डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने घर का बना फ्रेश दही का यूज़ किया है। आप भी इस रेसिपी को बनाते समय सिर्फ ध्यान रखें कि दही हमारा खट्टा ना हो, नहीं तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और अब हम इसमें एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल और डालने से इसका फ्लेवर तो बढ़ेगा ही, साथ में ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसे फ्रिज में 1 से 2 दिन तक रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आपको खाने का मन हो तब आप इसे इस तरीके से निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे एक कटोरी में निकाल लिया है और अब हम इसके ऊपर तड़का डालेंगे। और अगर आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं या तड़के भी डाल करके इसे बना सकते हैं। और अब हम एक तड़का पैन लेंगे और इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक सूखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सरसों और 4 से 5 कड़ी पत्ता डालेंगे और इन सभी को अच्छे से चटकने देंगे। और अब हम इसे इस तरीके से लौकी के रायते के ऊपर तड़का लगाएंगे और आप देख सकते हैं हमारा तड़का वाला लौकी का रायता बनके तैयार हो गया है। आप इसे इस तरीके से ही सर्व करें और इसे चावल, चपाती, पूड़ी किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और शरीर को ठंडक देने वाला है। आप इसे चाहे तो तड़के के साथ खाएं या बिना तड़के के साथ खाएं, इसके स्वाद में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और